झारखंड के लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, हम लोग गेहूं उगाते थे, धान उगाते थे, सब्जी उगाते थे। अगर यहां हत्या हुआ है, अगर मर्डर हुआ है, तो उसमें कंपनी का रोल, कोयला की खदान का रोल है, क्योंकि हम वहां खेती करते थे और खेती करने वाले मर्डर करना नहीं जानते। आज अगर कोयलांचल में किसी ने हत्या दिखाया है, आज प्रत्येक दिन हत्याएं होती है, इसको अगर किसी ने सिखाया है तो उन लोगों ने सिखाया है जो यहां कोयला चोरी करने आए। अरे हम कोयला तो छोड़ी, हम धान तक चोरी नहीं करते हैं, बल्कि हम बांटते हैं। हमने क्या कोई की है? अरे घर हमने फेंसा भेवे थे, किस दिन घर जाके गोतिया लगे बांट क्या हुआ? माछ मछली भी बांटे, देखिए हमने किनियर हिस्सा है बांटे, इतना तो छाड़ एक एक कुटिया भेवत, देखिए अभी कोनो ग्राम पूजे किनियर मांस बांटा है। तो हमने वैसा लोग लगी है, हमने मर्डर करना नहीं सीखा है, इन लोगों ने हमारे लोगों का मर्डर किया है। अगर हमने एक भी लोग के मारते लिए तो आज झरिया में बलियार आरा छपरा के मेंशन नहीं रहते, हमने की मेंशन रहते है कोयला खदान हमारे जमीन में। एक भी अगर हम हत्या करते तो यही हमारे लोगों ने भूल किया, हम लोग मरा है, हमारे लोगों ने शहीद तकदीर है, तमाम शहीदों ने यही भूल किया, उन लोग मरा है। 1% मरने के बारे में सोचता, अरे मरना तो ऐसे बीमारी से मरे, भूख से मरे, दुख से मरे, एक्सीडेंट होके मरे, क्रेन कट के मरे, ऐसे तो मर रहे हैं। अगर 1% हम लोग मरने के बारे सोचते ना, तो धनबाद में अगर माफिया होता भी तो हम होते, क्या दिक्कत है भाई? जमीन मेरा गया है, हम माफिया होते। यहाँ बलिया का माफिया है, यहाँ आरा का माफिया है, यहाँ छपरा का माफिया है, जमीन मेरा है और आरा बोले छपरा का माफिया रहेगा, ये भूल हमारे पूर्वजों ने किया है, इसलिए आज भी हम लोग डरे सहमे हैं, आज भी हम लोग डरे सहमे हैं। नाम सुनते हैं हालत खराब है, हम अंतिम संदेश कहिए या चेतावनी कहिए या फिर हंसी उड़ाइए या मजाक उड़ाइए, हम साफ कहेंगे कि खासकर जो कोयलांचल में रहते हैं उन तमाम विस्थापित परिवार को कहेंगे, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसका नाम आधार कार्ड में नहीं, उसका नाम राशन कार्ड में नहीं, उसका नाम वोटर कार्ड में नहीं, उसका नाम एडमिट कार्ड में नहीं, उसके हाथ में हथियार दीजिए और रोज उसको आधा घंटा ट्यूशन दीजिए कि तोरा फलना से बदला लिया, नहीं तो नहीं लड़ पाइएगा लड़ाई, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? जाइए थाना प्रभारी से वो केस लिखाइए ना, जीएम के बारे में कोई थाना प्रभारी केस नहीं लेगा। अमीरों का किसी देश में कहीं केस नहीं होता है। हम पहले बोले हमारी थाना प्रभारी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो सही है वो थाना प्रभारी बेचारे डीसी रे सामने बोलेंगे। जाइए ना, कौन थाना में हम आपको केस लिखाते हैं जीएम के खिलाफ? किस थाना प्रभारी और डीसी का औकात है कि जीएम के खिलाफ केस लिखे? अमीरों का कोई केस नहीं होता है, केस गरीबों का होता है। जब तक गरीब बन के रहिएगा, जब तक बुजुर्ग बन के रहिएगा, डंडा बंदूक से लोग डराएंगे। हर जिस दिन तीसरा पैदा कीजिएगा, बस इतने बोलिए कि तोरा मोरे लिए जन्मा लियो रे, तोरा पढ़ाई खातिर नहीं जन्मा लाई हो, तोरा बिहार शादियों नहीं दिया गया, तोरा पीस ढोकाएगा, तोरा सेब ढोकाएगा, तोरा खाना नहीं दिए पारबो, तोरा अंधार घर रखबो, तोरा एसी पंखा नहीं रखबो, तोरा अंधार घर रखबो, लेकिन तोरा अपन दर्द हमें रोज बताइबो। अगर ये हिम्मत हो तो मुक्ति मिलतो, और ना हो तो 20 साल में कोयलांचल में जितना भी लोग है अपन आपके मुर्दा में ले, कोयलांचल आपका नहीं रहा, नहीं रहेगा, आप में हिम्मत नहीं है, नहीं सुनिए। अरे फलना लड़े कहां से 60 लाख के प्रॉपर्टी बही गई, तोर यहां 60% ना कहे ना, तोर में हिम्मत नहीं, तो हिम्मत कहां कर ले ना, गोतनिया कपार फोड़ दे, हाँ गई हमारा चांद तरी कहा लल, हमारा मुहजारी कहा लल, गे तोर हिम्मत हो हिया और ओकर हिम्मत हो कोयला खदनवा में, वो जीएम के गर्दनवा पकड़ ले, कहे ना जानो जीएम के भी जिनी छुआ है, कहां जी तेरे, तो आज तक डरवे नहीं पार ले, उल्टा तो डर के रह गए, जमीन तो खेत तो बारी तो डराई के रह गए, तो आज तक डरवे नहीं पार ले, चश्मा वाली दादी अब थोड़ा डरवे पार भी कि नहीं पार भी ना, जे हुआ के पार भी ना डरवे ले, कह दमी अरे मुहजारा एक बित्ता भी अब जमीन नहीं घस गई है,
एकदम नगर जमीन ले लो, ई गिदर गिला पढ़े वाला ठीका डर लागो, हंसवा लई के खड़ा भ जा दादी, मरमे तो मरमे कोई गम ना। अगर एक बिट्टा जमीन और गलत तरीके से एक्वायर कर लो तो जेकरा सामने पाके चोटाई के रख दी ओकर तीन के एकला मैं कहबो मीडिया हो। थोड़ा गलत कह लियो, डेढ़ साल में 20 पीपी आयो सही खतरे शब्द गिला के हमरा चयन करे भेवा तीन चार जे पार भी कर दी जीएम रो चाहे सीएमडी रो। हमें पढ़ल लिखल किधर लगे बार बार कहियो नियम से अगर मांग ले नियम हटाया है आर राज्य में कोयला के खनन भेवा है हुआ जैसा नियम है तैसा नियम यहाँ पालन कर रखा है और ना है तो एकदम खड़ा भेजो दादी एकदम जिंदगी की मोल नहीं करी है की कर माची के निहाल कर में की जमीन ना है बारी ना है झारी ना है कुछ ना है तो निहाल कर में की। हाँ और कहिए तो लियो आइसक्रीम तो खा है ना है टॉफी तो खा है ना है बर्थडे तो मनवे ना है टेडी बियर तो मिलवे ना करो तो की ले माचे ले एकदम गौर हिम्मत के खड़ा कर दी सामने जे हो दादी एक बार हिम्मत कर हमें सौंप के कही के जाए तो नाती पुता गिला के कि तोड़ी काजू किशमिश खाई ले बंद कर दे ये दादी गिला के बूढ़ा हार गिला की खवाओ जितना एनर्जी पैदा रे। अच्छा धान कटे जाने है कि नहीं जाने हाँ कि ना इतने को धान कटे पार ना तो गर्दन ओकर से भी कमजोर है अभी तक अपने समझले ना कि गर्दन के मूल्य की लगे। अरे गर्दन मतलब इपार से उपार ना है आधे नलिटी खाली अभी तक ने समझले तो नहीं की आज तक ने पूछले गर्दन के मन की लगे। अरे इपार से उपार तो काटवा लेकिन नहीं काटे पर खाली नलिटी अरे नलिटी तोर जब धाने के बाल की लहना ओकर से कमजोर है धाने के बाल काटे पा रहे दादी तब काजू किशमिश के जरूरत में धाने के बाल काट पा रहे ना दो चार को झूरी काटे पा रहे हैं टोने पा रहे हैं जुलाई जात गरी गोइठा टोने पा रहे हैं तो ओकर से सस्ता जीए में गर्दन डाल ओकर से सस्ता हो पा रहे है ना ठीक है। आंसू मत बहाइएगा इस सड़क में जाकर बस का शीशा मत फोड़िएगा टायर मत जलाइएगा अगर जलाना हो तो 10 को 12 को जीएम को जलाइएगा अगर जलाना हो नोचना चोतना हो तो 10 को 12 को आईपीएस आईएएस का हिसाब कीजिएगा जिनके कारण निर्मल सुनील का मौत हुआ है। यदि भविष्य में अगर कोई मर्डर हुआ मैं मीडिया के सामने चुनौती से कहता हूं चाहे धनबाद का डीसी सुने या एसएसपी सुने इसी कोलांचल में चाहे शक्तिनाथ महतो रहे नेपाल रवानी रहे मणिनाथ मंडल रहे रसी घासदा रहे सुदन महतो रहे जब इनकी हत्या हो रही थी आप तमाशा बन के देख रहे थे क्या। आज भी जो वर्तमान के डीसीएसपी है लाखों टन कोयला चोरी होता है आपका कमीशन आता है क्या। इसलिए साफ कहेंगे चिल्लाइएगा मत यदि आपको मरने का अफसोस होता है यदि आपके बेटे को मारा गया है और उस बात का आपको अफसोस होता है तो चिल्लाइएगा मत हल्ला मत कीजिएगा 10 को 12 को जीएम को फूकिएगा 10 को 12 को आईएसआईपीएस को फूकिएगा जिसके कारण आपके संसद को मरना पड़ा है सुनील महतो। हल्ला मत कीजिएगा रोड में आके तमाशा मत कीजिएगा आंसू तो बिल्कुल मत भाई जो लोग आंसू भागते बुजदिल होते हैं क्योंकि हम जहाँ खड़ा है या कभी भी गोली चल सकता है या कोयला चले या कोयला निकलता है इसलिए स्पष्ट कहेंगे आंसू मत भाई यदि आपके किसी बेटे को कोई हत्या करता है उस आंसू को सेब बना के ढोंक के रहिए और एकदम एक एक मौत का हिसाब लीजिए और नहीं तो छोड़ देंगे आंसू मत भाइएगा। हम अपना हम रहे या ना रहे हम तमाम लोग हम संदेश देंगे आंसू मत भाइये अगर हम लोग के साथ भी अगर ऐसा कोई अनहोनी होता है क्योंकि हमको भी सूचना मिली है बकायदा एक हमारे साथी है उनके संपर्क में एक लड़का है जो बकायदा इन सब गतिविधियों में रहता है उन्होंने कहा कि जिस दिन धनबाद में अगर आपके नाम की सुपारी आएगी तो हम तक चर्चा आएगी आपको पहुंचा देंगे लेकिन कानो कान चर्चा है कोयला के खदानों में कि आपके भी चर्चे होते हैं बकायदा वो लड़का हमसे मिलने हमारा घर आया क्योंकि हर चीज सार्वजनिक करना जरूरी नहीं है उन्होंने कहा अगर धनबाद में आपकी किसी प्रकार की रेकी होगी तो हम तक सूचना आएगी तो हम स्पष्ट कहेंगे अगर जिंदा रहे तो अच्छा बात है आज यहाँ रखते हैं कल दिल्ली में रखेंगे और दिल्ली में अगर रखेंगे तो बाकी लोग को तो भिग्गी बिल्ली बना के रख देंगे लेकिन यदि हम लोग के साथ कोई घटना घटती है
बिल्कुल टायर मत चलाइएगा, सड़क में बसों का शीशा मत फोड़िएगा, फोड़ना है तो 10 को 12 को जीएम को फोड़िएगा, क्योंकि झारखंड का सबसे बड़ा समस्या है तो बीसीसीएल है, सबसे बड़ा समस्या है तो टाटा है, सबसे बड़ा समस्या है तो सीसीएल है, क्योंकि यही बेईमान कंपनी लोग जब दूसरा स्टेट में काम करता है बकायदा नियम से काम करता है, यही कंपनी दूसरा स्टेट में काम करती है नियम से काम करती है, जब झारखंड आता है इन लोग लूट